नमस्कार और गुड इवनिंग सभी को। आप जो फ्लैग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मोबाइल की या कंप्यूटर की, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है ना, और इसी पे बेस्ड है आज का अपना ये इंटरनेशनल बिजनेस का आर्टिकल। आर्टिकल बना है इस चीज़ पे कि यूरोपियन लीडर्स के यूनियन के लीडर्स ने एक पैकेज को डील को फाइनल कर दिया है। ये सब लीडर्स हैं ना, बातचीत कर रहे हैं आपस में, और इस डील के अंदर इनकी इकोनॉमीज को, सबकी अर्थव्यवस्थाओं को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, है ना। आज के आर्टिकल की खास बात ये है, इसको मैंने एक इंटरनेशनल मैगजीन से उठाया और एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपको इसको पार्सिंग मेथड से करवाने वाला हूँ। हर वर्ड को उसकी जगह बताऊँगा, उसकी औकात बताऊँगा। जो लोग नहीं समझते पार्सिंग मेथड क्या होता है, आप समझ लें इंग्लिश का मोस्ट पावरफुल टूल है। अगर आपने वर्ड्स को उनकी जगह बतानी शुरू कर दी ना, जिस दिन आपने हर वर्ड को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी, ग्रामर सेंटेंस की चीक चीक करके आपको एरर बताया करेगी, है ना। अगर आप पार्सिंग मेथड को फॉलो कर सकते हैं, देर इज नो बेटर मेथड देन दिस वन, है ना। मैं इसी को फॉलो करता हूँ, मुझे आज तक इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आई, बावजूद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के। कोशिश करें हर वर्ड को मैं आपको उसकी जगह दिखा के बताऊंगा, है ना। कोशिश करें इस टेक्निक को मुझसे सीखने की। शुरू करें फटाफट से, थोड़ी सी ग्रामर इंक्लूड कर दी है मैंने, है ना, थोड़े लेसन ग्रामर के भी आ जाएंगे, लास्ट में एक क्विज भी है। चलो एक छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह में जैसे मैंने इस आर्टिकल के बारे में टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था, अब आज आप लोग बहुत लोग जो हैं एडिटोरियल का वेट भी कर रहे होंगे कि सर की एडिटोरियल वीडियो आएगी, तो सुबह मैंने बता दिया था कि यार दोनों एडिटोरियल्स ईजी हैं, आज हम नहीं करने वाले हैं, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करो ताकि आपको एडवांस में न्यूज़ मिल जाए शाम को हम क्या करने वाले हैं। चलो टाइटल है इसका, पैराग्राफ का, हमारे आर्टिकल का, EU क्लिंचेस मैसिव स्टिमुलस डील टू बाइंड कॉन्टिनेंट टुगेदर। कह रहा है EU क्लिंच करती है, क्लिंच करने का मतलब है पा लेना किसी चीज़ को, अचीव कर लेना किसी चीज़ पे जा करके रुकना। कह रहा है EU क्लिंच करती है एक बहुत ही बड़ी स्टिमुलस डील को, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, स्टिमुलस मतलब हेल्प करने वाला, डील मतलब डील, तो आप जानते हैं। तो EU है ना, यूरोपियन यूनियन, उसने पा लिया है एक बहुत ही बड़ी हेल्प करने वाली डील को, और क्यों किया है काम, बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए कॉन्टिनेंट को, इस महाद्वीप को, और कैसे जोड़ना भाई, टुगेदर एक साथ। तो EU चाहता है कि पूरे महाद्वीप को जोड़ दूं, और एक मैसिव स्टिमुलस डील को इसने कर दिया है क्लिंच। सिंपल ट्रांसलेशन था इसका, एक ही वर्ड आया इसमें देखने वाला, क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है किसी चीज़ को जो ना, अगर आपका कोई दुश्मन है, आप उससे मुक्केबाजी में लड़ रहे हो, आपने क्या किया, उसको पकड़ लिया उसके दोनों हाथ, उसको भी क्लिंच करना कहते हैं। किसी भी चीज़ को जबरन पकड़ लेना, होल्ड कर लेना, छोड़ना नहीं, उसको कहते हैं क्लिंच करना। अगर आप किसी डील को क्लिंच करते हैं, इसका मतलब होता है उस डील पे आप जो है लास्ट में आकर के सेटल हो गए हैं, सारी लड़ाइयों को भुला करके आपने उस डील को फाइनल कर लिया है, समझ गए ना। तो क्लिंच वर्ड को ऐसे नोट करें। अब देखो ये सिंपल ट्रांसलेशन था, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे एक प्रोफेशनल, इंग्लिश के अंदर जो प्रोफेशनल होते हैं वो किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, है ना, आप भी कोशिश करें। मैंने क्या किया, नाउंस को दे दिए ग्रीन कलर, एडजेक्टिव को दे दिए ब्लू, एडवर्ब को पिंक बना दिया है, वर्ब को रेड में, और कंजंक्शन को येलो में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग कौन से हैं। अब ध्यान से देखो, नाउन कौन सा है, यूरोपियन यूनियन, स्टिमुलस डील और कॉन्टिनेंट, है ना। पहली चीज़ क्या देखने वाली, स्टिमुलस और डील सिर्फ एक सिंगल नाउन का काम कर रहे हैं। कैसे, स्टिमुलस भी एक नाउन है और डील भी एक नाउन है, दो नाउन एक साथ में आते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। उस कंपाउंड नाउन का काम क्या होता है, दोनों नाउन मिलकर के एक सिंगुलर एंटिटी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कार, अब स्पोर्ट्स क्या है, एक नाउन है, कार क्या है, एक नाउन है, दो नाउन एक साथ में कैसे आ गए, क्योंकि स्पोर्ट्स कार का एग्जिस्टेंस होता है ना। तो स्पोर्ट्स एक नाउन होने के बावजूद एडजेक्टिव का काम करेगा कार नाम के नाउन के लिए, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। तो ये एक स्टिमुलस डील भी एक कंपाउंड नाउन है, एक ऐसी डील जो स्टिमुलेट करेगी पूरे EU को। कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप। सबसे पहला काम होता है आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट बनेगा ये ग्रीन वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब ध्यान से देखो, EU नाउन है, इससे पहले कोई वर्ब आ रही है, नहीं आ रही सर। इससे पहले कोई प्रपोजिशन आ रही है, नहीं आ रही सर। ना वर्ब आ रही ना प्रपोजिशन आ रही, 99.99% ये जो है ना अवारा नाउन बोलते हैं इसको, जो किसी वर्ब से नहीं बंधा हो, किसी प्रपोजिशन से नहीं बंधा हो, 99.99% ये तुम्हारा जो है ना सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। एक दो केस होते हैं इन्वर्जन वाले, उसको छोड़ देते हैं, ये तुम्हारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होने वाला है ना। तो EU क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब आ गई क्लिंच। क्लिंच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लिंच का मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेना, है ना। क्लिंच के पीछे ES भी लगा हुआ है, इससे हमें मालूम चला ये किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगी है। फिर हमने EU की तरफ देखा तो उसको देख के क्या मालूम चला, सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही है, तो क्या मालूम चला इससे हमें, सब्जेक्ट है EU और वर्ब है उसकी क्लिंचेस। देखो बहुत पूरा लॉजिक वाली बात है इसमें। अब आ जाओ आगे, वर्ब के जस्ट बाद में एक एडजेक्टिव आ रहा है, उसके बाद में एक नाउन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव इस नाउन के लिए लगा है, और ये नाउन जो है ना, जो वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है, ये नाउन वर्ब से या तो व्हाट का रिप्लाई करेगा,
या ये रिप्लाई करेगा होम का। टेस्ट करें, क्लिंच करता है ईयू बहुत ही बड़ी स्टिमुलस डील को। अच्छा क्या क्लिंच करता है सर, व्हाट डज इट क्लिंच, बहुत बड़ी स्टिमुलस डील को। जैसे ही व्हाट का रिप्लाई दिया, मेरा टेस्ट यहाँ पे फेल नहीं हुआ, मेरा टेस्ट पास हो गया। मुझे पता चल गया ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और स्टिमुलस डील इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसने व्हाट का रिप्लाई दिया, समझ गए ना। इसका ऑब्जेक्ट होने की वजह से हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ये नहीं बन सकता, इसलिए हमने ईयू को सब्जेक्ट बनाया। आगे बढ़ो, आगे आगे सर, टू प्लस में वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू, इसको क्या बोलते हैं, नकारा, नकारा वर्ब। आपके घर में कोई नकारा, घर में चलो आपके पड़ोस में कोई नकारा लड़का हो, है ना, 25 30 50 साल का हो गया हो, काम कुछ भी करवा लो उससे, बस एक वो काम नहीं करेगा, कमाई लिखाई का काम नहीं करेगा वो, है ना। नकारा आदमी वही होता है ना, जिस काम को करना है वो तो करना नहीं, बाकी सारे काम करने हैं, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ नकारा वर्ब। क्यों? ये है तो एक वर्ब, है तो ये एक वर्ब, ये सब काम कर देगी, सब्जेक्ट बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, एडजेक्टिव बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी, बस एक मेन वर्ब नहीं बनती, है ना, इसलिए क्या है ये नकारा वर्ब। इसलिए बाइंड यहाँ पे एक दूसरे के पास में आना मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है क्लिंचेस, समझ गए ना। क्यों मेन वर्ब नहीं है बाइंड, क्योंकि ये नकारा वर्ब है सर, इसके पहले टू आ रहा है, ये कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं बन सकती, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, ये कुछ भी बन जाएगी, मेन वर्ब नहीं बनेगी। तो देखो ये नकारा वर्ब मिली हमें इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव, इसके बाद मिला कॉन्टिनेंट नाम का एक नाउन। अब ये इतनी नकारा वर्ब है, ये वर्ब की तरह अपनी ट्रीटमेंट चाहती है, कह रही है मैं वर्ब तो हूँ ही ना, मेन वर्ब नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरे को जब भी तुम ऑब्जेक्ट मिले तो दे दिया करो। जैसे ही मुझे यहाँ पे इसके बाद एक नाउन दिखा, ये नाउन बन गया इसका ऑब्जेक्ट। टुगेदर होती है एडवर्ब, इसका मतलब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। भाई कैसे क्लिंच करना है, कैसे क्लिंच करना है, कैसे बाइंड करना है, टुगेदर सबको एक साथ बाइंड करना है, एडवर्ब है, मैनर बता रही है कैसे करना है, सबको एक साथ करना है, तो ये होती है एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ गए सेंटेंस को। शुरू में टाइम लगेगा, सीखने में मेहनत भी देनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़ेगा। एक बार इसकी खूबसूरती देख लो आप, इंग्लिश में आप 100% मैथ्स वाला लॉजिक लगाने लग जाओगे अगर इसको सीख लेते हो। सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट नकारा वर्ब, नकारा वर्ब का ऑब्जेक्ट, टुगेदर एक एडवर्ब है जो कि बाइंड के बारे में बता रही है कैसे बाइंड करना है, टुगेदर सबको बाइंड करना है, समझ गए ना सेंटेंस को। चलो अब अगला सेंटेंस करेंगे इसी तरीके से। एक काम करता हूँ, मैंने थोड़ा सा आसान बना दिया आपके लिए, इस सेंटेंस को पहले आप एक बार पढ़ लो, है ना, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर इसको सेंटेंस ब्रेक करके उसी टेक्निक से समझाऊंगा। चलो सिर्फ पढ़ लो, एक ना सरसरी निगाह से पढ़ लो, अभी सेंटेंस को मैं एक बार आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। यूरोपियन यूनियन लीडर्स, कहाँ के लीडर्स, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स। तो कह रहा है ये जो आदमी है ना यूरोपियन लीडर्स अग्री हो गए, मान गए। अच्छा भाई किस चीज़ पे अग्री ऑन का मतलब होता है किसी मुद्दे पे अग्री होना, किस चीज़ पे अग्री हो गए, एक अनप्रेसिडेंटेड स्टिमुलस पैकेज पे, एक ऐसे स्टिमुलस पैकेज नाम के कंपाउंड नाउन पे जो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है, एक्सेप्शनल है, आज तक नहीं हुआ ऐसी चीज़। तो ये अग्री हो गए एक ऐसी चीज़ पे, पैकेज पे जो आज तक हुआ नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड है। भाई ये पैकेज कितने का है, ये है सर वर्थ 750 बिलियन यूरोस, इतनी कीमत का ये है पैकेज। वर्थ का मतलब होता है कीमत। अच्छा और क्या बोल सकते हैं इसको, 860 बिलियन भी सर आप बोल सकते हो। अच्छा ये क्यों हुए अग्री, इनके होने का पीछे रीज़न क्या था, ये इनका रीज़न था पुल करना, खींचना अपनी इकोनॉमीज को आउट ऑफ, बाहर उस सबसे ख़राब रिसेशन में से, मंदी में से, जो इन मेमोरी है, जो अभी तक हमें याद है। तो इन्होंने इसलिए अग्री किया ताकि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आज तक ना देखी जा सकने वाली मंदी में से बाहर खींच ले। अच्छा और दूसरा काम क्या करें, एक तो इसको पुल करें, दूसरा टू टाइटन, टाइट कर दें, टाइटन एक वर्ब होती है, दूसरा टाइट कर दें। और क्यों, किसको, फाइनेंशियल बॉन्ड्स को, आर्थिक रिश्तों को, और कौन से रिश्ते, जो होल्ड कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो होल्ड कर रहे हैं उनकी 27 नेशंस को एक साथ, उनकी 27 कंट्रीज को एक साथ। सेंटेंस समझ गए, रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसकी ग्राम, फिर सीधे सीधे इसके आएंगे अपने पार्सिंग पेपर। ये जो लीडर्स हैं अग्री कर गए एक ऐसे स्टिमुलस पैकेज पे जो आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसकी कीमत थी इतनी, और ये अग्री इसलिए हुए ताकि खींच पाएं अपनी इकोनॉमीज को बाहर आज तक की सबसे खराब मंदी में से, जो इन मेमोरी है, जो हमें याद है, और इसलिए ताकि ये टाइट कर पाएं फाइनेंशियल रिश्तों को, आर्थिक बॉन्ड्स को, जो होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं इनकी 27 कंट्रीज को, 27 नेशंस को टुगेदर एक साथ। चलो आ गया सेंटेंस समझ में, मेरे ख्याल से सिंपल था। अब आ जाओ इसको पार्सिंग मेथड से देखते हैं, क्यों यूरोपियन लीडर जो है ना, यही जो है हमारा सब्जेक्ट है, आगे वाले जो है नाउन्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, है ना। चलो यूरोपियन एक एडजेक्टिव होता है, यूनियन लीडर एक कंपाउंड नाउन है। कैसे पता लगा सर, नाउन प्लस में नाउन आ रहा है, यूनियन मतलब एकता, लीडर मतलब नेता, दो चीज़ें एक साथ आ जाती है, कंपाउंड नाउन बना देती है। तो ये कंपाउंड नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ रहा है सर, इससे पहले एक वर्ब आ रही है क्या, नहीं आ रही।
इससे पहले एक प्रपोजिशन आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो 99% यही तुम्हारा सब्जेक्ट है, फॉर्मूला तो यही कहता है। चलो भाई इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, कोई इसके पहले वर्ब नहीं, कोई इससे पहले प्रपोजिशन नहीं। समझो मेरा दिमाग कैसे काम करता है, आपको भी ऐसे करवाना है। ये आपका अभी प्रोविजनल सब्जेक्ट है ना, टेंटेटिव है। चलो आगे देखो सर, अग्री की थर्ड फॉर्म आ गई अग्रीड, या ये हो सकता है सेकंड फॉर्म भी हो, है ना। सेकंड फॉर्म कैसे है ये बाद में पूछूंगा आपसे, चलो इस चीज़ को भी छोड़ो। आगे एक वर्ब की फॉर्म आ गई सर, सेकंड या थर्ड। आगे एक इसके सब्जेक्ट पढ़ा था, इसको एक वर्ब भी मिल गई। कोई सब्जेक्ट इंग्लिश में सब्जेक्ट नहीं हो सकता जिसकी कोई वर्ब ना हो। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली, आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जरूरी जरूरी चीज़ें आपको मिल गई। समझ गए ना, सब्जेक्ट वर्ब। आगे प्रपोजिशन आई ऑन, ऑन के बाद में, प्रपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। उसको ऑब्जेक्ट कौन कौन बनेगा? या तो सर बनेगा नाउन, या बनेगा प्रोनाउन, या बनेगा जेरेंट। इसके बाद में क्या आ रहा है? स्टिमुलस पैकेज नाम का एक कंपाउंड नाउन आ रहा है। तो ये क्या बन गया? इस ऑन प्रपोजिशन का, इस ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। इसलिए स्टिमुलस पैकेज हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सर ये तो ऑन से जुड़ा हुआ है, इसको तो आपने सब्जेक्ट बनाने के लिए इसके पास मौका छोड़ा ही नहीं। अच्छा स्टिमुलस पैकेज कौन सा था? ये वर्थ था 750 बिलियन यूरोस। वर्थ एक एडजेक्टिव, 750 एक न्यूमरल एडजेक्टिव, बिलियन एक नाउन, यूरो एक नाउन, है ना। और इसको 860 बिलियन भी आप बोल सकते हैं। अच्छा देखो ये अग्री क्यों हुए सर, अग्री क्यों हुए? ये नकारा वर्ब से मैं बता देता हूँ, टू पुल, पुल करने के लिए। क्योंकि ये वर्ब नकारा है इसलिए अग्रीड हमारी वर्ब है। अगर ये पुल अकेला होता बिना टू के, तो मैं हो सकता है इस पुल को अपनी वर्ब मानता, है ना। चलो पुल किसको करना है? अपनी इकोनॉमी को। देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद में एक नाउन आएगा, इकोनॉमी नाम का नाउन आया। ये नाउन जो है ना, ये नाउन इकोनॉमी इस पुल वर्ब से, इस नकारा वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इसलिए क्योंकि ये पुल के बाद में आया सर, हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सका, इसलिए यूरोपियन यूनियन हमारा सब्जेक्ट था। आउट एक एडवर्ब होती है, पुल कहाँ करना है भाई? बाहर करना है। किधर करना है? बाहर करना है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। कैसे आ रहे हो? वहाँ से आ रहा हूँ। किधर जा रहे हो? नॉर्थ में जा रहा हूँ, है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो आउट हो गई आपकी एडवर्ब। ऑफ प्रपोजिशन होती है, फिर से इसको ऑब्जेक्ट चाहिए सर, सीधे सीधे मंदी नाम का ऑब्जेक्ट इसके बाद में रखा है। अच्छा फिर द वर्स क्या कर रहा है? सर ये एक एडजेक्टिव है, मंदी नाउन तो बन गया इसका ऑब्जेक्ट, इस ऑफ प्रपोजिशन का, और इस प्रपोजिशन, इस ऑब्जेक्ट के बारे में एक एडजेक्टिव हमने लगा दिया द वर्स्ट। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है बैड, वर्स, द वर्स्ट, इससे पहले द आता है, सबसे बुरा, है ना, द वर्स्ट। फिर इन प्रपोजिशन आई, उसके बाद में वर्ब आया, उसका उसका ऑब्जेक्ट आया मेमोरी नाम की, एक नाउन। फिर आया टाइटन। अब देखो एंड एक कंजंक्शन है ना, ये क्या बता रही है? इसको दो काम करने थे, पहला काम करना था टू पुल, दूसरा काम करता था टू टाइटन। सर यहाँ पे टू फिर से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्योंकि टू को दूसरी बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड कंजंक्शन के बाद चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। तो इसने दो काम करने थे, टू पुल करना था, टू टाइटन करना था। ये टाइटन भी नकारा वर्ब ही है, इसलिए अग्रीड की जगह ये नहीं ले सकती। चलो टाइटन करना है किसको? फाइनेंशियल बॉन्ड्स को, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अच्छा कौन से बॉन्ड? जो कि होल्ड करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के बाद में आकर के, जब सब्जेक्ट ना बन रही हो, ऑब्जेक्ट ना बन रही हो, तो क्या करती है वो? जब मेन वर्ब ना बन रही हो तो क्या करती है वो? एडजेक्टिव का काम करती है। तो कौन से बॉन्ड भाई होल्ड करने वाले? किसको? अपनी 27 नेशंस को। होल्ड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अपना एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, नेशंस, टुगेदर एक एडवर्ब है। देखो सब चीज़ें सेट हैं, सारे पीस सेट हैं पूरी पजल के। अगर मैं इसमें से थोड़ा सा भी घुमा दूंगा, इसमें से एरर निकल करके आ जाएगी। एक बार सब चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। यूरोपियन एक एडजेक्टिव, यूनियन लीडर एक कंपाउंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया आपका। इसकी वर्ब है सब्जेक्ट की, लीडर की, अग्रीड नाम की वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। अच्छा ऑन एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? स्टिमुलस पैकेज। अनप्रेसिडेंटेड क्या कर रहा है? इस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट स्टिमुलस पैकेज के बारे में कुछ बता रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, अनप्रेसिडेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है। चलो वर्थ और 750 दोनों एडजेक्टिव्स हैं, बिलियन यूरो के लिए कुछ बता रहे हैं। कितने बिलियन यूरो भाई? 750 मिलियन यूरो, है ना। पैकेज का पूरा पैकेज कितना था ये? 750 बिलियन यूरोस का। अच्छा क्यों करना है? नकारा वर्ब से बताया हमने, नकारा वर्ब से बताया पुल करने के लिए अपनी इकोनॉमीज को। इकोनॉमी बन गया इस वर्ब का, नकारा वर्ब का ऑब्जेक्ट। आउट बन गया एक जो एडवर्ब, क्या बता रही है? इस नकारा वर्ब के बारे में बता रही है, कहाँ पुल करना है? बाहर पुल करना है ना। अच्छा पुल के बाद में, आउट के बाद में ऑफ प्रपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट बन गया रिसेशन। इन प्रपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी। टाइटन भी एक नकारा वर्ब है, इस टू को हमने छोड़ा हुआ है इस एंड कंजंक्शन के कारण। टाइटन जो नकारा वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया फाइनेंशियल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स वो हैं जो होल्ड करते हैं, एक एडजेक्टिव काम कर रहा है बॉन्ड्स के लिए। ना इसके पास वर्ब बनने का चारा, ना इसके पास नाउन बनने का चारा, तो बचा क्या? तीसरा काम वर्ब की एनजी फॉर्म करती है, एडजेक्टिव बनने का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन के बता रहा है 27 नेशंस को होल्ड करना है एक साथ, टुगेदर। बढ़े आगे, चलो
सिंपल है, अगर अभी शुरू में टाइम लगेगा, धीरे धीरे टाइम लगना बंद होगा। अब एक छोटा सवाल है मेरा आपसे, अग्रीड क्यों V3 नहीं है? अग्री अग्री V1, जानते हो ना, अग्री V1, अग्रीड अग्रीड V2, अग्रीड अग्रीड V3। तो कैसे सर ये V3 नहीं है, ये V2 कैसे है? 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ 10 सेकंड में आपको देता हूँ, अपने आप से पूछ के बताओ, और आपको हंसी आएगी उस चीज़ पर जब मैं आपको बताऊँगा ये क्यों V3 नहीं है। सुन लेना और दिमाग में घुसा लेना, V3 है ना, V3 V3 कभी भी मेन वर्ब बनेगी ना, मेन वर्ब क्या करेगी, वो अपने से पहले हैज़, हैव या हैड को लेगी। अगर उसने इन तीनों में से एक को भी नहीं लिया तो या तो वो V3 नहीं है वो V2 है, या तो वो V3 नहीं है वो V2 है, और या फिर वो V3 है और एडजेक्टिव का काम कर रही है, अचानक से आई V3 पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो ये एडजेक्टिव का काम तो कर नहीं रही थी, अग्रीड तो हमारी मेन वर्ब है, अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर मेन वर्ब तो कहीं दिख ही नहीं रही, अगर ये एडजेक्टिव है तो कहीं मेन वर्ब तो आ नहीं रही, तो ये तो मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर सर ये V3 नहीं है, इसके पहले हैज़ नहीं है, हैव नहीं है, ये तो V2 ही है। हर चीज़ का लॉजिक है, लॉजिक से चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये अगला आपका सेंटेंस है, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, एक काम करो ना इसी के हिसाब से पढ़ो आप, पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने अलग अलग कर दिया। सब लोग पहले कोशिश करेंगे, सरसरी निगाह से पढ़ो इसको, फिर मैं बताता हूँ कैसे इसको पढ़ना चाहिए था। चलो रिपीट कर दूं एक बार, मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा दूं। कह रहे जो अग्रीमेंट है द अग्रीमेंट, खास अग्रीमेंट, और कब, अर्ली आवर्स में, सुबह सुबह में, ट्यूसडे को। अच्छा कब आया, मोर देन 4 डेज, 4 दिनों के बाद आया। अच्छा किस चीज़ की 4 दिन, एक्रीमोनियस नेगोशिएशंस की, नेगोशिएशन होती है बातचीत, मोल भाव, और एक्रीमोनियस होता है कड़वाहट बड़ा। तो ये जो अग्रीमेंट आया ना, सुबह सुबह आया मंगलवार को, 4 दिनों के बाद जब नेगोशिएशंस हुई हैं, बहुत कड़वी वाली, करवाट वाली, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है अब बताना मुझे, ये EU का हेडक्वार्टर्स भी है, यूरोपियन यूनियन का, ब्रुसेल्स है ना, कहाँ की राजधानी है बताना मुझे, आपको पता होना चाहिए ब्रुसेल्स कहाँ पे है। तो ब्रुसेल्स में ये नेगोशिएशन हुई थी। कह रहे ये जो अग्रीमेंट था ना, अब इसकी वर्ब आ गई रिक्वायर्ड, इस अग्रीमेंट को थी ज़रूरत, और किसकी ज़रूरत थी, यूनानिमस अप्रूवल की, ऐसी अप्रूवल की जो सबकी सहमति से हो। यूनानिमस मतलब यूनो, यूनो प्लस एनिमस, यूनो मतलब एक, एनिमस मतलब दिमाग, सबकी सहमति से अप्रूवल की जरूरत थी, है ना। अच्छा किसकी अप्रूवल चाहिए थी भाई, मेंबर स्टेट्स की चाहिए थी, और कह रहा है एंड लगा के, यही अग्रीमेंट जो है ना, जिसको ये रिक्वायरमेंट थी, यही अग्रीमेंट रिप्रेजेंट भी करता है किसको, एक जीत को, और किसकी, जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल के लिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के लिए। अच्छा ये लोग कौन है भाई दोनों, कह रहा हु ड्राफ्टेड, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था अर्ली आउटलाइन को, शुरुआती रूपरेखा को, इस प्रपोजल की, इन मई के अंदर। तो ऐसे खूब लड़ाई झगड़े के बाद मंगलवार को इन्होंने फाइनल किया, इन दोनों लोगों की जीत हुई है जो कि चाहते थे शुरू से इसको अप्रूव करवाना। सेंटेंस समझ गए, अब आ जाओ इसको साइंस की तरह देखते हैं। सारे के सारे नाउन ग्रीन है, एनी नाउन्स में से कोई मेरा सब्जेक्ट बनेगा। सारी की सारी वर्ब्स ग्रीन है, एनी वर्ब्स में से कोई वर्ब बनेगी मेरी, है ना। जितने नाउन होंगे उतनी वर्ब्स होंगी, अगर बीच में एंड कंजंक्शन आए तो एक नाउन एक से ज़्यादा वर्ब्स भी ले सकता है। अब शुरू करते हैं, अग्रीमेंट शुरू में द भी आ रहा है, अग्रीमेंट एक नाउन भी है। कैसा नाउन है सर, कॉमन नाउन, कैसे पता लगा, इसको आप काउंट कर सकते हो, है ना, कॉमन नाउन है, काउंट कर सकते हो, एग्रीमेंट का अग्रीमेंट्स बना सकते हो, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। तो अग्रीमेंट से पहले कोई वर्ब आ रही है क्या सर, नहीं आ रही। इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो अग्रीमेंट है एक अवारा नाउन, अगर ये अवारा नाउन है ना सर, तो आपके फॉर्मूला के हिसाब से यही मेरा सब्जेक्ट है। चलो भाई ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, अगर दूसरा सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा। चलो अग्रीमेंट सब्जेक्ट, अब इसकी वर्ब ढूंढनी है सर, इसके बाद तो प्रेपोजिशन आ गई, इन इन प्रपोजिशन आ गई ना, तो उसको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अभी वर्ब ढूंढने का बाद काम जो है खत्म कर दो, इनको पहले एक ऑब्जेक्ट दो फिर वर्ब देखेंगे आगे। इनको ऑब्जेक्ट दे दिया हमने आवर्स नाम का कॉमन नाउन, कैसे आवर्स भाई, अर्ली आवर्स, अर्ली एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, तो इनका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आवर्स और अर्ली बता रहा है इसके बारे में। फिर इसकी वर्ब ढूंढ रहे थे पर फिर ऑफ प्रपोजिशन आ गई, अब वर्ब ढूंढने का काम छोड़ो, पहले इसका ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑफ का प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ट्यूसडे नाम का प्रॉपर नाउन, जो चीज़ें खास होती हैं, ताजमहल, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, एफिल टावर, ये सब के सब क्या हैं, प्रॉपर नाउन, किसी आदमी का नाम, किसी फॉर्म का नाम, है ना, प्रॉपर नाउन। तो ऑफ प्रपोजिशन को भी एक अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अच्छा आफ्टर, आफ्टर भी प्रपोजिशन है, इसके बाद में और चीज़ आ गई, क्या आया, मोर देन 4 डेज, डेज जो है ना इस आफ्टर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और मोर देन 4 है ना एक जो है ना एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसमें मोर एक एडजेक्टिव है, 4 एक एडजेक्टिव है, देन एक प्रपोजिशन है, एडजेक्टिवल फ्रेज इसको हम बोलते हैं। कितने दिन, 10 दिन, 5 दिन, लंबे दिन, छोटे दिन, ऊंचे दिन, बड़े दिन, मोर देन 4 डेज इन, समझ गया ना। तो मोर देन 4 क्या करेगा,
एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा। अभी तक मामला क्लियर? आफ्टर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया डेज, इनका ऑब्जेक्ट बन गया आवर्स, ऑफ का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ट्यूजडे, फिर ऑफ आया इसका ऑब्जेक्ट बन गया नेगोशिएशंस, एक्रिमोनियस ने नेगोशिएशन के बारे में बता दिया, फिर इन आया इसका ऑब्जेक्ट बन गया ब्रसेल्स। समझ रहे हो, वर्ब तो कहीं मिली नहीं हमें इस अग्रीमेंट की। अब ध्यान से अचानक से देखो, रिक्वायर नाम की वर्ब हमें मिली, रिक्वायर, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, क्या है ये सर? वी टू, वी थ्री क्यों नहीं है? इससे पहले हैज़ हैव नहीं आ रहा, तो एग्रीमेंट की वर्ब मिल गई हमें रिक्वायर्ड नाम की, सब्जेक्ट को वर्ब मिली, मामला खत्म। देखो सर, वर्ब के बाद में एक एडजेक्टिव आ रहा है, उसके बाद में सीधे सीधे एक नाउन आ रहा है, मतलब इस चीज़ का अगर ये व्हाट का रिप्लाई दे दे, अगर ये व्हाट का या हुम का रिप्लाई दे दे तो ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। पूछो इससे क्या रिक्वायर था इसको, क्या चीज़ चाहिए थी? यूनैनिमस अप्रूवल। व्हाट का रिप्लाई दिया, क्या का रिप्लाई दिया, अप्रूवल जो है इस रिक्वायर्ड से जुड़ गया, ये हो गया हमारा इस रिक्वायर्ड वर्ड का ऑब्जेक्ट। ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मेंबर स्टेट्स नाम का एक कॉमन जो है कंपाउंड नाउन। अच्छा, अब इतना सीख गए तो अब देखो आगे एंड कंजंक्शन आ रही है। एंड कंजंक्शन का काम क्या है? अगर तो पहले एक सब्जेक्ट रखा है तो उसको दूसरी वर्ब दे देगी, है ना, एक वर्ब आपने दी है एक और वर्ब दे देगी। कोई भी चीज़ रखी है ना, एंड से पहले और एंड की बाद की चीज़ें जो है ना, जनरली उनको मिलाने का काम करती है एंड कंजंक्शन। इसकी हिंट लो, इसके बाद में क्या आ रहा है, रिप्रेजेंट्स नाम की वर्ब आ रही है। मतलब क्या है, सब्जेक्ट को दूसरी वर्ब देने की कोशिश कर रही है एंड कंजंक्शन। इसका काम यही होता है, एक चीज़ को दो से ज़्यादा चीज़ों से जोड़ देना। तो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट वी वन रिक्वायर्ड, और इसी की वी टू रिप्रेजेंट्स, समझ गए ना, एक ही सेंटेंस एक ही सब्जेक्ट दो वर्ब्स ले रहा है। अच्छा भाई, क्या रिप्रेजेंट करता था? एक विक्ट्री को, विक्ट्री हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसके लिए? फॉर चांसलर, इसके लिए एंड इसके लिए, इन दोनों के लिए। फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये इंसान और ये इंसान। अच्छा, ये लोग कौन है? हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहे हैं, इंसानों के लिए हु लगता भी है। कह रहे ये वो लोग हैं जिन्होंने ड्राफ्ट किया था। प्रोनाउन आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब आ गई ड्राफ्ट नाम की सेकंड फॉर्म। और क्या ड्राफ्ट किया था? व्हाट का रिप्लाई दिया आउटलाइन ने, आउटलाइन को ड्राफ्ट किया था इसका ऑब्जेक्ट। फॉर प्रपोजल के लिए, इन मई के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये और भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता इन से जुड़ने के कारण, ये ट्यूसडे सब्जेक्ट नहीं बन सकता ऑफ से जुड़ने के कारण, ये डेज सब्जेक्ट नहीं बन सकता आपका आफ्टर से जुड़ने के कारण, ये नेगोशिएशन आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता ऑफ से जुड़ने के कारण, ये ब्रसेल्स आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता इन से जुड़ने के कारण। बचा कौन सब्जेक्ट बनने के लिए? अग्रीमेंट। इसके बाद एक वर्ब आ गई रिक्वायर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये अप्रूवल हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। ये मेंबर स्टेट्स हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, सब्जेक्ट नहीं बन सकती क्योंकि इस ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ी हुई है। रिप्रेजेंट जो है एंड के बाद आ रहा है, मुझे बता रहा है अग्रीमेंट को हमने एक दूसरी वर्ब भी दी है, ये वी वन हो गई, ये वी टू हो गई, है ना। समझो इस चीज को, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ब्स भी कैसे ले सकता है। ये विक्ट्री हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता था क्योंकि विक्ट्री रिप्रेजेंट से व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। फोर के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक चांसलर मार्कल और दूसरा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, तो ये दोनों भी हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये तो फोर से जुड़े हुए हैं। अब देखो ये हु है ना, किसी से नहीं जुड़ा हुआ, ये हु इस किसी से जुड़ा नहीं हुआ, इसलिए है सब्जेक्ट नंबर टू, है ना। सब्जेक्ट नंबर टू की वर्ब आ गई वर्ब नंबर टू, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसकी कोई वर्ब ना हो। आउटलाइन हो गया सब्जेक्ट नंबर टू की, वर्ब टू का ऑब्जेक्ट। फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया प्रपोजल, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया मई। सारे मोतियों को मैंने पिरो दिया धागे में, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रामर में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कभी भी किसी नाम के आगे, किसी नाम के आगे उसकी पोजीशन आ जाए तो आप द नहीं लगाएंगे। द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मार्कल गलत है, द जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल गलत है। अगर यहाँ से जर्मन चांसलर निकाल दूँ, अगर यहाँ से एंजेला मार्कल निकाल दूँ और यहाँ से इमैनुअल मैक्रों निकाल दूँ तो यहाँ इन दोनों के आगे हमें द लगाना पड़ेगा, जरूरी जो है, मैंडेटरी। समझ गए ना, ग्रामर कॉन्सेप्ट है छोटा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस है अपना, ये शायद लास्ट ही है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अब जो सिंपल सा सेंटेंस है सबको आना चाहिए ये वाला, है ना, द इमरजेंसी फंड। एक काम करो, ये देखोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, पहले इसको पढ़ो आप, इसमें से पढ़ के मुझे बताओ कौन सी चीज़ किसके लिए क्या काम कर रही है, है ना। पहले मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। कह रहा है ये इमरजेंसी फंड है, आपातकालीन फंड है, ये विल गिव आउट, ये देगा, क्या देगा भाई, 390 बिलियन यूरोस को। अच्छा, किस चीज़ के? ग्रांट्स के अंदर जो है, अनुदान के अंदर। अच्छा, और क्या देगा ये, एंड लगा के बता रहा है, 360 बिलियन यूरोस को। और ये किस चीज़ के लिए होंगे? लो इंटरेस्ट लोन्स के होंगे, इन ऐसे लोन्स के फॉर्म में देगा जिन पे इंटरेस्ट बहुत कम हमें देना पड़ेगा। समझ गए इमरजेंसी फंड क्या करेगा। अब देखो इसको पार्सिंग करके देखते हैं। इमरजेंसी एक एडजेक्टिव है, कैसे पता लगा? कभी भी एक साथ अकेले नहीं आएगी, अगर आएगी, अगर ये अकेले आएगी तो नाउन बन जाएगी, है ना, अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, है ना, इट वॉज एन इमरजेंसी। पर अगर अपने बाद में नाउन लेके बैठी है ना तो ये एडजेक्टिव का काम करेगी, कैसे?
कौन सा फंड सर? इमरजेंसी फंड, अच्छा फंड, खराब फंड, बड़ा फंड, छोटा फंड, बिना काम का फंड, मीनिंगलेस फंड, मीनिंगफुल फंड, इमरजेंसी फंड, समझ गए ना? फंड के बारे में बता रही है। तो कह रहा है इमरजेंसी फंड। अब देखो फंड से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, कोई वर्ब नहीं आ रही, कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही, 99% हमारा सब्जेक्ट है। मिल गया सब्जेक्ट तुम्हें फंड। अब देखो उसकी वर्ब भी मिल गई आपको, विल गिव। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए थी, आपने वर्ब भी ढूंढ ली, सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा आपका सेट बैठ गया। विल एक मॉडल वर्ब है, अपने बाद में हमेशा वर्ब का बेन इन्फिनिटिव लेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। अगर आप इस फंड को देखो तो यहाँ गिव्स आना चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस या ईएस जुड़ जाता है, पर विल के कारण इस एस को अपने यहाँ से ऑमिट कर देंगे, है ना? विल को निकाल दो ना तो गिव्स आना चाहिए यहाँ पे। चलो तो सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली, आउट है एक एडवर्ब। भाई गिव आउट तो एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसमें गिव एक वर्ब का काम कर रही है, आउट एक एडवर्ब का काम कर रही है। जो भी चीज़ आपको प्लेस बताए ना, जगह का नाम बताए, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये विल आउट गिव आउट करेगी, बाहर निकाल करके देगी। अच्छा क्या निकाल के देगी? 300 बिलियन यूरोस। ये बन गया इस विल गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई दिया इसने? ऑब्जेक्ट बन गया। 390 जो है एक एडजेक्टिव काम करता है, इसको बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, किसी चीज़ की संख्या जो है, किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बताना। अच्छा ये यूरोस किसके हैं? ग्रांट्स के हैं। और प्रपोजिशन को ग्रांट नाम का कॉमन नाउन हमने दे दिया है ना, पीछे ऐसा लग रहा है कॉमन नाउन है। अच्छा अब इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद आ रही है एंड नाम की कंजंक्शन। इसके बाद चेक क्या करो, इसके बाद चेक कर रहे हो आप 360 बिलियन यूरो लिखा हुआ है, मतलब क्या है? जहाँ पे पहले ऐसा आंकड़ा कहीं आया है ना बिलियन यूरोस का, उससे इस आंकड़े को जोड़ने का काम कर रही है। कहने का मतलब क्या है? ये दो चीज़ें विल गिव आउट करेगी। ऑब्जेक्ट वन है इसका, ऑब्जेक्ट वन है इतने बिलियन यूरोस, और ऑब्जेक्ट टू है 360 बिलियन यूरोस, है ना? दो चीजें गिव आउट करेगी ये वाली फंड। अच्छा यूरोस किसके हैं? ऑफ लगा के बता रहा है, लो इंटरेस्ट लोन्स के। लोन बन गया इस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लो इंटरेस्ट बता रहा है इस लोन के बारे में कुछ बन गया एडजेक्टिव, है ना? कौन सा लोन भाई? लो इंटरेस्ट वाला लोन, इसकी आइडेंटिफिकेशन कर दी ना, एडजेक्टिव का काम करेगा। समझ गया सेंटेंस को? सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब ऑब्जेक्ट नंबर वन एंड कंजंक्शन ऑब्जेक्ट नंबर टू, ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ग्रांट्स, ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लोन्स। सिंपल था, एडजेक्टिव वगैरह देख लेना, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी सेंटेंस को आप करेंगे अपने दिमाग से, पार्स करके देख लो, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके सामने, फिर इसकी पार्सिंग देखेंगे। कह रहा है सेंटेंस में लगभग ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ फंड्स, एक तिहाई जो फंड्स हैं, वन थर्ड जो हैं, वो ईयर मार्क कर दिए गए हैं। ईयर मार्क करना होता है किसी चीज़ को साइड में रख देना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो कह रहा है एक तिहाई वर्ड जो हैं, फंड्स जो हैं, उनको साइड में रख दिया गया है। क्यों? फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, किससे? क्लाइमेट चेंज से, मौसम में जो है बदलाव आ रहा है उससे। और कह रहा है साथ ही साथ किसके साथ? ब्लॉक के अलग नेक्स्ट अगले ट्रिलियन यूरो 7 ईयर बजट के साथ, है ना? तो कह रहे इसी के साथ ही साथ जो टुगेदर भी था ना इस ब्लॉक का, ब्लॉक का मतलब होता है देशों का एक ग्रुप, इस ग्रुप के अगले 7 ट्रिलियन 7 ईयर बजट के साथ ही साथ, कह रहे ये जो है ना विल कंस्टिट्यूट करेगा बिगेस्ट ग्रीन स्टिमुलस को इन हिस्ट्री के अंदर। तो ये जो वन थर्ड ऑफ फंड्स है ना, पहले तो इनको ईयर मार्क किया गया फाइट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, और कह रहा है ये जब मिल जाएगा ना इस बजट से, ये कंस्टिट्यूट कर देगा, बना देगा, इस्टेब्लिश कर देगा आज तक के द बिगेस्ट, सबसे बड़े ग्रीन स्टिमुलस को। स्टिमुलस मतलब सारा, ग्रीन मतलब हरियाली, है ना? मौसम के, क्लाइमेट के स्टिमुलस के पैकेज को हिस्ट्री के अंदर। तो इस तरह से ये काम होने वाला है। अब आ जाए इस पर, साइंस लगाएं अपना। चलो ऑलमोस्ट एक एडवर्ब होती है, आई लव यू अलॉट, अलॉट। अच्छा आई लव यू तो तुम समझ गए, आई सब्जेक्ट, लव वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। अलॉट क्या काम कर रहा है? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अलॉट। आई हेट यू अलॉट, तो अलॉट क्या काम कर रहा है? इंटेंसिटी बता रहा है किसी काम के होने की। तो ये ऑलमोस्ट, अलॉट, ये सब के सब इंटेंसिटी बताने वाली, इंटेंसिटी वाली एडवर्ब्स होती हैं, है ना? तो ऑलमोस्ट हो गई आपकी एडवर्ब। तो लगभग होता है इसका मतलब लगभग, एक तिहाई, वन थर्ड, ऑफ प्रपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है फंड्स, है ना? अब ध्यान से देखो, अ थर्ड से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही, अ थर्ड से पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, मोस्ट प्रोबेबली हमारा सब्जेक्ट अ थर्ड ही है, है ना? ये ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया फंड्स। अब देखो आर ईयर मार्क्ड, अ थर्ड ऑफ फंड्स आर ईयर मार्क्ड। आपकी वर्ब किसके लिए आई है? सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट है थर्ड, थर्ड के लिए वर्ब कैसे आ सकती है? आर ईयर मार्क्ड। ऐसे केस में आप ध्यान दो, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा फ्रेज आपके सब्जेक्ट का काम करेगा। इस फ्रेज को बोलते हैं हम नाउन फ्रेज। क्यों बोल रहे हैं इसको नाउन फ्रेज? देखो अ थर्ड को ईयर मार्क नहीं करना और फंड्स को ईयर मार्क नहीं करना, एक तिहाई फंड्स को ईयर मार्क करना है। अ थर्ड ऑफ फंड्स को मैं ऐसा भी लिख सकता था 33.33% फंड्स, है ना? तब उस केस में फंड्स मेरा सब्जेक्ट बन जाता है ना। तो अ थर्ड ऑफ फंड्स पूरा का पूरा
एक सब्जेक्ट का काम करेगा, इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज। नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पर अकेला नहीं है, फ्रेज बना के आया है, नाउन फ्रेज। समझ गए ना? तो सब्जेक्ट मिल गया आपको, इसकी वर्ब मिल गई आर एयरमार्क्ड। फंड्स जो हैं प्लूरल है, तो वर्ब भी इसके हिसाब से आर एयरमार्क्ड सही है। फोर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फाइडिंग नाम का जीरेंट। जीरेंट जानते हो ना? जीरेंट वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर जाए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, उसको बोलते हैं जीरेंट। तो फोर प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिल गया जीरेंट। भाई किसको फाइट करना है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट देना है तो व्हाट के रिप्लाई से जो चीज़ देना दे दो। फाइट करना है क्लाइमेट चेंज को, इस जीरेंट का ऑब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज। एंड इसके बाद कंजंक्शन के बाद क्या आया? टुगेदर विद एडवर्ब। आपने देखा ना टुगेदर पीछे विद होते एक प्रेपोजिशन, इसको मैंने गलत से इस मार्क को दिया, बाद में बताऊंगा मैं। वैसे तो ये पूरा एक एडवर्ब फ्रेज है, पर विद को आप फिर प्रेपोजिशन ही मानो, है ना? प्रेपोजिशन विद का ऑब्जेक्ट है द ब्लॉक्स, इस ब्लॉक का नेक्स्ट 1 trillion euro 7 year बजट। इस विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बजट नाम का एक नाउन, और कौन सा बजट है? 7 साल का बजट है। और कैसा बजट है? 1 trillion euro का बजट है। और कौन सा बजट है? अगला बजट है। समझ गए ना? ये नेक्स्ट भी एक एडजेक्टिव है, 1 trillion euro भी एक एडजेक्टिव है, 7 year भी एक एडजेक्टिव है। बजट के बारे में तीनों वर्ड्स बता रहे हैं। विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इस ब्लॉक का ये वाला बजट। समझ गए आई थिंक? यहाँ पे ब्लॉक्स भी एडजेक्टिव काम करेगा, पजेसिव नाउंस भी एडजेक्टिव काम करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ना माय कार एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, वैसे ही आप लिखो अमन्स कार। अब माय की जगह तो अमन सा है ना, तो पजेसिव नाउन भी है ना, ये भी एडजेक्टिव का काम एक्चुअल में कर रहे होते हैं। ये भी एडजेक्टिव, ये एक्चुअल में नाउन है, इस विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया। अब देखो इसके बाद वर्ब आई विल कॉन्स्टिट्यूट। किसकी वर्ब है भाई? अ थर्ड ऑफ फंड्स की। और कैसे वर्ब है इसकी, कैसे पता लगा? देखो इसकी पहली वर्ब आई थी ईयर मार्क्ड, फिर लगी एंड कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद में इसने दूसरी वर्ब ली है विल कॉन्स्टिट्यूट। ये बीच में जो एडवर्बियल फ्रेज है ना, ये बाद में आप साइड करके रख दो, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको ये क्या काम कर रहा है। एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा है, अ थर्ड ऑफ फंड्स आर ईयर मार्क्ड एंड विल कॉन्स्टिट्यूट। अ थर्ड ऑफ फंड्स आर ईयर मार्क्ड एंड विल कॉन्स्टिट्यूट। अब देखो कॉन्स्टिट्यूट क्या करेंगे? बिगेस्ट स्टिमुलस पैकेज को, इसका हो गया ऑब्जेक्ट। ये भी एक एडजेक्टिव है ना, ग्रीन एक एडजेक्टिव, बिगेस्ट भी एडजेक्टिव, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री। तो सेंटेंस में जो टुगेदर विद वाला आप देख रहे हो ना क्लॉज, इसको बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज। भाई ये कैसे करेंगे सारा काम? भाई साथ ही साथ करेंगे इस बजट के, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए टुगेदर विद को मैंने पूरे को पिंक में रखा है, इसको एडवर्बियल फ्रेज ऑफ क्लॉज की शुरुआत कर रहा है ये। एक्चुअल में तो विद प्रीपोजिशन है, टुगेदर अकेली एक एडवर्ब है ना, टुगेदर विद करेगा ये इस ब्लॉक के बजट के साथ। आई थिंक समझ गए होंगे पार्सिंग मेथड से। सब्जेक्ट टाइप का ये वर्ब नंबर 1, ये एंड कंजंक्शन के बाद वर्ब नंबर टू, ये बन गया आपका इसका ऑब्जेक्ट, इसका किसका, इस कॉन्स्टिट्यूट नाम की वर्ब का सिमिलर पैकेज, और हिस्ट्री बन गया इस नाउन नाम के प्रीपोजिशन का। मेरा दिमाग फास्ट काम करता है, तुम्हारा भी करेगा, थोड़े दिन का पेशेंस रखो और करते जाओ इस काम को, है ना? हर चीज़ में तुम्हें पार्सिंग करनी है। इस सेंटेंस को करेंगे, इसके बाद खत्म करेंगे अपनी वीडियो को। एक सेंटेंस मैं आपको दूंगा, वो आप पास करके कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ऑल एक्सपेंडिचर्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द पेरिस एग्रीमेंट्स गोल ऑफ कटिंग ग्रीन हाउस गैसेस। सभी एक्सपेंडिचर्स को मस्ट बी होना चाहिए कंसिस्टेंट, एक उसी हिसाब से। कंसिस्टेंट दो चीज़ें होती है, तो मतलब एक दूसरे के हिसाब से होती हैं। तो कह रहे सारे खर्चों को भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसी हिसाब से होना चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट के गोल के हिसाब से होना चाहिए। और गोल का एक है कट करने का ग्रीन हाउस गैसेस को। अब सेंटेंस की पार्सिंग कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर एक नाउन है, पहले वर्ब नहीं आ रही, प्रीपोजिशन नहीं आ रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मस्ट के बाद में बी आना ही था, मस्ट बी एक वर्ब का फ्रेज बनाएगा, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा बी के बाद में कंसिस्टेंट नाम का एक एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि यहाँ एक एडजेक्टिव आ रहा था, इसीलिए बीच में बी हमने घुसेड़ा है, नहीं तो मस्ट के बाद में कोई वर्ब लगाते फर्स्ट फॉर्म, समझ गए ना? तो एडजेक्टिव आ रहा है। अच्छा एडजेक्टिव किसके लिए आ रहा है? मस्ट बी कंसिस्टेंट, ये किसके लिए एडजेक्टिव आ रहा है? ये एक्सपेंडिचर नाम के नाउन के सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बन के आ रहा है। तो ये मस्ट बी एक खुद ही लिंकिंग वर्ब है ना, बी फैमिली की वर्ब अकेले मेन वर्ब बन के आ रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को मिला रही है ना, ऑल बी एक जो है एडजेक्टिव है। अच्छा विद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पेरिस एग्रीमेंट्स गोल। जहाँ पे पेरिस एक नाउन है, अग्रीमेंट एक नाउन है, गोल एक नाउन है, पर पेरिस एग्रीमेंट जो है कंपाउंड नाउन है, और इसका पजेसिव जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका गोल? मेरा गोल, तुम्हारा गोल, पेरिस एग्रीमेंट का गोल, समझ गए ना? तो एडजेक्टिव है पेरिस एग्रीमेंट, गोल है इसका ऑब्जेक्ट, गोल है इसका नाउन जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है विद प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कटिंग, कटिंग नाम का एक जीरेंट,
वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी का ऑब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, जीरेंड कहलाती है। जीरेंड अपना एक ऑब्जेक्ट ले सकता है, इसने ऑब्जेक्ट लिया ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस एक कंपाउंड नाउन है, ग्रीन हाउस काम करेगा एडजेक्टिव का, गैस करेगा काम नाउन का। समझ गया आई थिंक, सिंपल सा काम है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये आपका टास्क है। लास्ट सेंटेंस को मैं पार्स नहीं करवा रहा हूँ, वैसे तो मैं पार्स करवाने वाला था पर वीडियो हो जाएगी लंबी। एक काम करते हैं, इसको आप पार्स करेंगे खुद। आप इसको अभी के अभी इस सेंटेंस को पार्स करके हर वर्ड को उसकी जगह बताएंगे। जैसे विद है सर प्रीपोजिशन है, डेथ क्या है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, टोल क्या है सर दैट टोल के साथ में कंपाउंड नाउन बना रहा है, डेथ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टोल एक जो है नाउन का काम कर रहा है, अमंग क्या है ये है, यू क्या है ये है, सिटीजन क्या है ये है ना, स्टोक क्या है ये है। इस तरीके से इनके ब्रैकेट में लिखते जाएं, मेरे आंसर आपको मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में एक लिंक डालूंगा, वहां से एक फोटो निकलेगी, उसमें सारों के सबके सब पार्सिंग करके अलग अलग कलर में मैंने रखा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर से मुझे लाइक करके बताना। इन वीडियोज को मैं इसलिए पब्लिश नहीं करता हूँ यार, तुम्हें आदत नहीं है इस तरह की चीज़ों को नॉलेज लेने की, इस तरह की नॉलेज तुम्हें किसी ने दी भी नहीं होगी। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने जिससे इस चीज़ को सीखा था, जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ को सीखने के लिए, मेरे अंदर से मोटिवेशन आती है कि ये चीज़ सबको पता लगनी चाहिए। तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं है अगर मैं एक इंग्लिश का टीचर बनता हूँ यूट्यूब पर और तुम्हें सही तरीका नहीं बताता हूँ। देख लो यही तरीका है, यही तरीका है। कोई कोचिंग सेंटर तुम्हें नहीं सिखाएगा, कोई टीचर तुम्हें नहीं सिखाएगा। पहली चीज़ इसलिए नहीं सिखाया जाता क्योंकि इसको सिखाने के बाद कोर्सेज खत्म हो जाते हैं। जो ये चीज़ सीख लेता है ना, फिर वो पूरा कोर्स परचेज ही नहीं करता, वो कहता है सर मैं खुद ही कर लूँगा, मैं किताब है मेरे पास अच्छी सी, आपने पार्सिंग मुझे सिखा दी, अब भोले भंडारी मेरा देख लेंगे अपने आप, समझ गए ना। तो मास्टर तुम्हें ऐसी चीज़ जनरली सिखाएंगे नहीं। दूसरा एक चीज़ बताता हूँ, आती भी नहीं, लोगों ने सीखी नहीं, बहुत कम टीचर्स जानते हैं। कहीं से सीखने को मिल रही है, बड़े भाई की तरह तुम्हें राय दे रहा हूँ, इसको कभी मिस मत करना। सारी इंग्लिश का निचोड़ है इसी चीज़ के अंदर, पार्सिंग सीखो, पार्सिंग के पार कुछ भी नहीं है इंग्लिश के अंदर। फटाफट से अपने कमेंट्स डालना, कमेंट में आंसर को डालना। इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस और बना रहा हूँ मैं, आज रात में बनाऊंगा, एक आधे में फिर से पब्लिश करूँगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना वीडियो को, शुरू में नहीं बोलता हूँ लास्ट में बोल रहा हूँ, इसलिए लाइक और शेयर को बरकरार रखना। साइनिंग आउट।